नमस्कार किसान भाइयों, हम इस ज़मीन पर हर साल जो हमारे पूर्वज खेती करते आए हैं, ग्वार, बाजरा, मोट, मूंग, तिल आदि की खेती करते थे। लेकिन उस खेती में क्या होता था, लागत और मेहनत बहुत ही ज़्यादा होती थी और पैदावार बहुत कम होती थी। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं इस ज़मीन पर ऐसी खेती की जाए जिसमें लागत बहुत कम हो, पानी की भी कम ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, बारिश भी बहुत कम होती है। और उस खेती में आवारा पशुओं का भी कम खतरा हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आवारा पशु है, नीलगाय है, गाय हैं, इन पशुओं का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर गौशालाएँ बहुत कम है, बहुत सी गाय आवारा फिरती रहती है। फिर हमारे पास में ही खाली ज़मीन पड़ी है, तो इसमें आवारा गाय हर समय घूमती रहती है, जिससे हमारी खेती को बहुत खतरा रहता था। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए मैंने एक दिन बैठे बैठे ही सोचा कि क्यों न इस ज़मीन पर ऐसी खेती की जाए जिसमें कम खर्चा हो, कम पानी की ज़रूरत पड़े, कम देखरेख की ज़रूरत पड़े और आवारा पशुओं से भी कम खतरा हो। तो मैंने इस बारे में सोचा, तो मैंने यूट्यूब चैनल पर भी जानकारी जुटाई, जो रिलायंस फाउंडेशन है वहाँ से भी जानकारी जुटाई, कृषि कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके पूछा। तो मुझे चार फसलों के बारे में जानकारी मिली कि ये चार फसलें आप यहाँ पे सिर्फ बारिश के पानी में उगा सकते हो, जिन्हें ऊपर से पानी देने की आवश्यकता बहुत कम है। अगर बारिश टाइम पे नहीं हो तो ही ऊपर से पानी की देने की आवश्यकता है, नहीं तो बारिश के पानी में भी आपकी खेती हो सकती है। तो उन चार फसलों में मुझे एक तो अश्वगंधा, जिसे स्थानीय भाषा में, हमारे राजस्थान की स्थानीय भाषा में पाडल सिंह भी कहते हैं, जो औषधियों में काम आती है, और एक कौंच बीज, वो भी एक आयुर्वेदिक औषधियों में काम में आती है, और अरंडी का भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा उपयोग होता है, और एक है सफ़ेद मूसली, जिसका भी आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत अधिक उपयोग होता है, और उसकी कीमत भी, चारों ही फसलों की कीमत भी अच्छी मिलती है, और चारों ही फसलों को कम पानी और कम देखरेख की ज़रूरत पड़ती है, और इनको आवारा पशुओं से कोई खतरा भी नहीं होता। तो मैं इस साल मैंने ये निश्चय किया है कि मैं इन चारों फसलों को थोड़ा थोड़ा बोकर एक ट्रायल करूँगा, मतलब ये एक प्रयोग कर रहा हूँ मैं इस साल, सिर्फ एक प्रयोग ही कर रहा हूँ कि ये फसलें हमारी ज़मीन में, राजस्थान की ज़मीन में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन पर हो सकती है या नहीं हो सकती। मतलब अगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन पर ये फसल हो सकती है तो दुनिया के किसी भी कोने में ये फसल हो सकती है, क्योंकि यहाँ जितनी कमज़ोर ज़मीन है वैसी ज़मीन कहीं पर नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए बालुई मिट्टी है और पानी भी यहाँ का खारा पानी है। तो मैंने इन चारों फसलों को लगाने का निश्चय किया है। तो मैंने देखिए अश्वगंधा की खेती के लिए तो
ये जमीन तैयार कर ली है। जमीन तैयार हो गई है और सुबह में हमने वो बीज लगाने का, बीज जमीन में बीज डालने का फैसला किया है कि सुबह में 4-5 लोग मिलकर बीज डाल के उसमें पानी छोड़ देंगे। एक बार फवारों से पानी छोड़ देंगे, फिर लगता है 2-3 दिन में बारिश हो जाएगी तो बीज उगने में आसानी होगी और